नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। आज का यह दिव्य अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विषय यह होने वाला है कि बाबा नीम करोली महाराज जी आखिर क्यों अपने प्रत्येक भक्त को राम राम लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और हर भक्त को राम राम लिखने के लिए कहते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी इस कार्य को इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझना अति आवश्यक है कि अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो राम नाम का लेखन अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जिन भक्तों के जीवन में कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं और जीवन में परेशानियां आ रही हैं, अधिक प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही है, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने इसका निवारण भी बताया है। वह है श्री राम जी के नाम का लेखन। लेकिन श्री राम जी के नाम को लिखने से आपको क्या फायदे होंगे, इस अध्याय में इस विषय में बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। देखिए, श्री राम जी के नाम में एक अद्भुत शक्ति है। राम नाम की महिमा और ताकत का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। यह नाम न केवल मन को शांत और स्थिर करने वाला है बल्कि एक बेहद प्रभावशाली मंत्र भी है। कई लोगों की एक समस्या यह होती है कि वे कहते हैं कि हम मंत्रों का जाप करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है क्योंकि हम उन चीजों को गहराई से नहीं जानते। तो इसीलिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने सभी के लिए सबसे सरल उपाय बताया है। अगर आप भी श्री राम जी के नाम का लेखन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना चाहिए। देखिए, इस कलयुग में राम नाम के लेखन को एक आहुति समझकर करें। राम नाम से श्री राम जी को अपने हृदय में सदा विराजमान रखने की भावना से लिखना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। अब देखिए, आपको बताने जा रहे हैं राम नाम के लेखन की विधि को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप राम राम को बिल्कुल शुद्धता के साथ लिखें। सुंदरता और स्पष्टता के साथ लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस लेखन को और भी प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको एक सफेद कागज पर लाल स्याही या लाल पेन का उपयोग करना चाहिए। यह एक बेहतरीन विकल्प है। कोशिश करें कि कागज पर कोई अन्य रेखाएं या गंदगी न हो ताकि राम नाम का लेखन साफ और स्पष्ट दिखे। लाल रंग का उपयोग करने से आपके लेखन में एक विशेष ऊर्जा जुड़ जाएगी क्योंकि लाल रंग प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान नारायण जी को भी लाल रंग से विशेष प्रेम और लगाव है। इस विधि के माध्यम से राम नाम लेखन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। राम नाम का लेखन करने से आपको जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं वे आपकी अपेक्षाओं से 100 गुना अधिक होते हैं। यह हमारे शास्त्रों और वेदों में भी कहा गया है। राम लेखन स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जब आप राम नाम का लेखन करते हैं तो मौन के साथ लिखना सर्वोत्तम माना जाता है। मौन में ध्यान और ध्यान में गहराई होती है जो आपके लेखन को और भी प्रभावशाली बना देता है। आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जैसे बाबा नीम करोली महाराज जी ने एक मोटी पुस्तक बनाई है जिसमें बाबा नीम करोली महाराज जी प्रतिदिन राम नाम लिखते हैं या जब भी उन्हें समय मिल पाता है तो बाबा नीम करोली महाराज जी उसमें लिखते हैं। प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम आपको भी लिखना ही चाहिए। यदि आप राम नाम का लेखन प्रारंभ से शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम समय निकालकर एक पृष्ठ अवश्य लिखना चाहिए। इस लेखन में कोई निश्चित संख्या या समय सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जहां पर भी आप उस पुस्तक को रख रहे हो तो पुस्तक बहुत ही स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए और शुद्ध और साफ साफ लिखें। इससे क्या होगा, अब इसके बाद हम आपको फायदे बताने वाले हैं। यदि आपने सोच रखा है कि काश कोई नियम भी मिल जाता तो हम आपको एक नियम बता सकते हैं। आप 90 दिनों तक का नियम रख सकते हैं। यदि आप एक पृष्ठ लिख पाते हैं तो आपको कम से कम 90 दिन तक ऐसा करना चाहिए। यह नियम नहीं टूटना चाहिए। इससे आपको यह मिलेगा कि आपके जीवन में जो भी मानवीय इच्छाएं हैं उनकी ओर आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा।
सबसे बड़ा फायदा यही है। और किसी भी कार्य को यदि आप साधने का प्रयास कर रहे हैं तो इस नियम को भी अपने साथ लेकर चलें। उस कार्य में मेहनत लगाइए और अपना परिश्रम लगाइए। आप देखेंगे कि आपके दृष्टिकोण अपने लक्ष्य को लेकर धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में इसका परिणाम जल्दी मिले तो इस 90 दिन के नियम को टूटने न दें। जब भी आप लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में न छूटे। पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से आपकी मन की जो भी बड़ी इच्छा है वह मनोकामना पूरी होने लगती है, क्योंकि उस मनोकामना को बल मिलने लगता है। देखिए, सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में जो कार्य आपने सोचा है वह पूर्ण भी हो जाए, तो उसके लिए उसे बल भी तो मिलना चाहिए। और वह बल कैसे मिलेगा? इस नियम के द्वारा। जी हां, मनोकामना के लिए यदि आप एक नियम बनाते हैं तो उसे अपने मन में यह धारण कर लेना चाहिए कि हर हाल में उसे पूरा करना है। और यदि आप इसे पूरा होते देखना चाहते हैं तो यह नियम कम से कम 90 दिन आप अपना कर देखें। बहुत ही चमत्कार होंगे आपके जीवन में। यदि आप किसी भी प्रकार से असमर्थता महसूस होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करने के लिए हो, तो इसलिए सबसे सरल विधि हो सकती है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। यदि आप जीवन में इससे समर्थ हैं तो मैं आपके लिए इसे और भी आसान बना देता हूं। बाबा नीम करोली महाराज जी ने स्वयं कहा है कि यदि आप श्री राम जी का लेखन कार्य नहीं कर सकते हैं या समय का अभाव है, तो आप जितना भी समय मिले उस समय में श्री राम जी के नाम का जप कर लें। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। आपका मुख पवित्र होगा, आपकी वाणी में पवित्रता आएगी और आपकी वाणी में श्री माँ सरस्वती का निवास हो जाएगा। साथ ही जब आप श्री राम जी का नाम लेंगे तो आपके कानों में भी उनकी कृपा का अनुभव होगा, जिससे आपकी श्रवण शक्ति भी बढ़ेगी। करने की जो आपकी इच्छा है वह और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। आपके कान भी पवित्र होंगे, आपका मुख भी पवित्र होगा और जो अन्य लोग आपके पास बैठेंगे वे भी इस पवित्र नाम का श्रवण करेंगे। इससे उन्हें भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने आपको लेखन का नियम बताया, उसी तरह प्रतिदिन जितना भी समय मिले उस समय में श्री राम जी के नाम का जप करें। इसके लिए कोई निश्चित विधि नहीं है और मैं संख्यात्मक रूप से कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जितना भी बन पड़े श्री राम जी के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम जी के नाम का जप करने वाले को श्री राम जी के दर्शनों से प्राप्त होने वाले पुण्य फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। श्री राम जी के नाम की सेवा करने वाले व्यक्ति को अद्भुत शक्ति मिलती है, क्योंकि राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। श्री राम जी के नाम का जो मंत्र जपते हैं उसके जप करने से थोड़े समय में सुख, आनंद, सभी सिद्धियां और प्रभु नारायण अर्थात श्री राम जी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है। श्री राम जी के नाम से सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम को यदि आप भजन में लें या उसे थोड़ा सा भी ध्यान देते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें तो श्री राम जी के नाम में इतनी महान शक्ति है। आप पाएंगे कि बाबा नीम करोली महाराज जी का यह कथन है कि जो व्यक्ति जीवन में श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। उनके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है और केवल सिद्धियां ही प्राप्त होती हैं। घर में आपके सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और भी न जाने कितने अनमोल फायदे हैं श्री राम जी के नाम के जप के। इसीलिए मैंने आपको ये दो विधियां बताई हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जी के नाम की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति चारों दिशाओं में बहुत ही प्रचलित हो जाते हैं। अपने श्री राम जी के नाम की शक्ति को जपने के कारण और आज के इस युग में कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि का अभाव न हो। इसीलिए आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम की शक्ति का अवतरण करें। श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने से आपको किसी भी पद पर हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में सफलता का आगमन बहुत शीघ्र होगा। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय।
आशा करता हूँ कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।